Hello students, how are you? I hope you will be all fitted fine. Today we will read chapter 12, water, right? Our topic, clean water, cleaning water, swachh jal. Okay student, we will start. It is very important that we drink clean water. यह बहुत जरूरी है कि हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए या हमें पीने के लिए स्वच्छ जल का होना बहुत ही important है, बहुत ही जरूरी है. Because dirty water contains germs of diseases like typhoid, dysentery and jaundice. क्योंकि गंदे पानी में अनेक कीटाणुओं के कारण बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड, जॉइंटिस, डायसेंटरी. टाइफाइड को आप सभी जानते हो, हैं, जो छोटा दाना निकल आता है और वो हड्डी के अंदर से निकलता है, काफ़ी हार्मफुल होता है. और इसी तरीके से जॉइंटिस, ये भी गंदे पानी के पीने के कारण जॉइंटिस हो जाता है. सो वी शुड बॉइल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. तो इसलिए हमें पानी पीने से पहले उसको उबालना चाहिए. मीन्स हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए. वाटर कैन ऑल्सो बी फिल्टर्ड टू क्लीन इट. और इसके अलावा हम पानी को फिल्टर भी के द्वारा भी साफ कर सकते हैं. आप देखते हो कि आजकल घरों में फिल्टर, वाटर फिल्टर लगा हुआ है सभी के घरों में. क्यों? क्योंकि फिल्टर के द्वारा वाटर क्लीन हो जाता है और हमारे पीने योग्य हो जाता है. और नेक्स्ट टॉपिक शॉर्टेज ऑफ वाटर, राइट? शॉर्टेज
करना चाहिए. क्लोज द टैप्स व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ. जब आप ब्रश कर रहे होते हो तो कई लोग क्या करते हैं, पानी को नल को खुला छोड़ देते हैं और ब्रश करते रहते हैं. नो, आपको ऐसा नहीं करना है. ब्रश करते समय आपको नल को बंद करके रखना है. जब उसको यूज करना हो तब आपने नल खोलकर पानी को यूज करना है. अबाउट 70% ऑफ अवर बॉडी वेट इज वाटर. हमारे शरीर में 70% जल है. चेक फॉर लीकली टैप्स एंड गेट देम रिपेयर्ड. हमें जो नल लीकेज हो रही होती है उनको चेक करते रहना चाहिए समय समय पर और उनको रिपेयर कराना चाहिए. डू नॉट यूज ए हाउस पाइप फॉर वॉशिंग कार. यूज ए बकेट एंड वॉश. हमें पाइप से कार या कोई भी व्हीकल को वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पानी अधिक वेस्ट होता है और हमें बकेट और मग का यूज करना चाहिए. यूज वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ टू मोव द क्लॉथ. और जो पानी कपड़े धोने के बाद पानी बचता है उससे हमें फर्श को साफ करने में यूज करना चाहिए. तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि हमें पानी को किस तरीके से सेव करना चाहिए, किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, हमें किस तरीके से बचाना चाहिए. बिकॉज जल्दी जेल बन है इसलिए हमारे को वाटर को सेव करना आवश्यक है. ओके स्टूडेंट, our chapter 12 water is complete now. If you have any problem you can discuss me on my personal number. Okay, thank you, have a nice day.